हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी लालसा। और अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग हैं इंदौर उज्जैन हाईवे रोड पर। कुछ घंटों के बाद हम वहां पहुंच जाएंगे उज्जैन पर। और अभी हम आए हैं एक ढाबे पर, रुके हुए हैं डिनर करने के लिए। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ। एंड वीडियो में यूं ही आगे बने रहिए हमारे साथ। सो डिनर हो चुका है, अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे उज्जैन के लिए। तो उज्जैन में मिलते हैं आपको, वहीं आपसे मुलाकात होगी। वीडियो में यूँ बने रहिए। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकाल की नगरी पर। और सभी लोग वन बाय वन दे आर टेकिंग बाथ और रेडी हो रहे हैं भस्म आरती के लिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उज्जैन में महाकाल के टेंपल में लॉकडाउन के कारण बहुत से रूल चेंज हुए हैं, नए रूल बने हैं कोविड-19 के कारण। तो वीडियो में आगे बनी रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि क्या नए रूल बने हैं और क्या चेंजेस हुए हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 AM एंड कोविड-19 के कारण मास्क लगा के मैं आपसे बात कर रही हूँ। पब्लिक एरिया है और पहले की तरह नया रूल ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लाइन नहीं है। या तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए यहाँ पर, या फिर आप यहीं पर आकर 250-250 रुपीज़ का आप पास लीजिए महाकाल के दर्शन के लिए। एंड ये महाकालेश्वर टेम्पल का प्रवेश द्वार है, यहीं से हमने 250 रुपीज़ का पर पर्सन ने टिकट लिया है। प्रति व्यक्ति ने अपने लिए एक एक टिकट लिया है महाकाल के दर्शन के लिए। हमको शंख द्वार से प्रवेश करना था तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अब हम शंख द्वार पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमको प्रवेश करना है। एंड प्रसाद ले जाना अलाउ नहीं था तो हमने अपना प्रसाद यहीं बाहर छोड़ा। आरती के बाद का वीडियो है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें आरती का अनुभव हुआ और आनंद लिया हमने आरती का। और हम भाग्यशाली समझेंगे कि जैसे ही हम पहुँचे आरती अटेंड करने का मौका मिला। एंड आउटसाइड का वीडियो है, जितना मेरे से हो पा रहा था, जितना मैं कैप्चर कर पा रही थी वो सब कैप्चर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा अलाउ ज़्यादा करना यहाँ पर नहीं है। गेट नंबर दस से हम लोग को बाहर निकलना था। जैसे गेट नंबर 10 से बाहर आए तो वहाँ पर निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हर्बल टी मिलता है, उसका हमने आनंद लिया। एंड आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो सन 2020 को की समा चाहूँगी, सन 2020 की झांकी का वीडियो है। मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, बट जिन लोगों ने वीडियो ना बना के फ़ोटो क्लिक की थी उनसे फ़ोटो लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सन 2020 की झांकी का है। ऐसा मान्यता है या ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन वासियों द्वारा कि महाकाल हर साल सावन सोमवार के आखिरी सोमवार को झांकी के द्वारा पूरे उज्जैन में भ्रमण करते हैं और उज्जैन में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो हम अब महाकाल के टेंपल से निकलकर गटकालिका माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और माँ का दर्शन भी करके जाइएगा। अब हम पहुंच चुके हैं माँ गटकालिका के टेंपल पर। माँ गटकालिका का ये प्रवेश द्वार है। वीडियो में मैं जितना कोशिश करूँगी, बनाने की कोशिश करूँगी, आपको दिखाने की कोशिश करूँगी टेंपल के अंदर का। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थी भीड़, बट हम लोग यहाँ पर भी पहुँचे तो यहाँ पर भी आरती की तैयारी चल रही थी और आरती के टाइम होते होते काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। अभी भीड़ थी बट इतना नहीं था कि हमको तकलीफ़ हो, बट आरती के टाइम में काफ़ी भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे हैं और जब तक आरती की तैयारी चल रही है मैं मंदिर के और भी मूर्ति वगैरह हैं उनको दिखा रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए। यहाँ टेंपल के जस्ट सामने, माँ के जस्ट सामने त्रिशूल रखा है और शेर
की मूर्ति है एंड यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह है, माँ काली की मूर्ति है, आप देख सकते हैं वीडियो में। एंड जैसे ही बाहर निकले, यहाँ पर दो ऑरेंज कलर की शटर लगी हुई है एंड वाइट कलर की, ये पिंडी नुमा जो बना हुआ है रूम, यहाँ पर शिव जी की पिंडियाँ हैं, अलग अलग पिंडी रखी हुई हैं। और जो धुआं आपको दिख रहा था वो आरती के लिए, तैयारी के लिए कंडे जलाए जा रहे थे, कंडे जिसे बहुत से लोग उपले भी कहते हैं, होम के लिए। एंड आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि मूर्ति के कितनी प्यारी प्यारी फोटो और मूर्तियाँ हैं। सो गाइस, आरती की वीडियो नहीं बना पाई और आरती अटेंड करने के बाद अब हम लोग घटकालिका माँ के टेंपल से निकल कर जा रहे हैं। माँ के टेंपल के थोड़े ही पास में छोटा सा एक तालाब था, तो उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। अब हम लोग हैं ऑन द वे। अच्छा, आपको बताना चाहूँगी कि ऑन द वे हमको एक शिव जी की विशाल पिंडी दिखी, वहाँ पर टेम्पल है तो उसको भी मैंने कैप्चर किया हुआ है और आपको दिखाने का मैंने कोशिश की है। जितना मेरे से बन सक रहा है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ शेयर करने के लिए। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो लोग COVID-19 लॉकडाउन के कारण दर्शन ना कर पाए हो, तो इस वीडियो के जरिए बिल्कुल दर्शन कीजिएगा। एंड जय शिव शंभू। आप देख सकते हैं कितनी विशाल पिंडी है, और अपने सभी परिचित लोगों को शेयर कीजिएगा और ये वीडियो दिखाइएगा। घर पे बैठे बैठे महाकाल महाकाली के दर्शन करें और आनंद लें महाकाल और महाकाली का दर्शन करके। और जितना कोशिश हो सका मेरे से, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, वो सब मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कोई त्रुटि हुई तो क्षमा चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और वीडियो पसंद आए तो मैं अगेन कहूँगी आपको लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से कुछ मोटिवेट हो जाती हूँ और मोटिवेशन मिलता है। तो एज अ बिगनर मैं चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। जय श्री महाकाल।